दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये हमारा आज फर्स्ट एपिसोड है एक न्यू सीरीज का। यहाँ पर आपको मिलेगा द रियल ज्ञान, ज्ञान ऐसा जो आपको पता होना चाहिए। आज का हमारा टॉपिक है होम ऑडियो एक्टिव स्पीकर्स। हमारे साथ हैं इस टॉपिक पे बात करने के लिए अंकुर जी, ओवेज के को फाउंडर। तो कैसे हो भाई? मैं बढ़िया हूँ। थैंक यू अनुज, आपने मुझे यहाँ बुलाया, एक अपॉर्चुनिटी दी कि आपकी ऑडियंस से बात कर सकूँ। एक्चुअली भाई क्या है कि मैं स्पीकर की काफ़ी वीडियो बनाता हूँ, तो मैं देख रहा हूँ इतने मुझे कमेंट्स मिल रहे हैं। मतलब लोग काफ़ी कंफ्यूज हैं कि स्पीकर लेते हुए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अनुज, ये बात बिल्कुल ठीक है। लोग एक्चुअली में बहुत कंफ्यूज हैं, क्योंकि आप देखो इतने सारे ब्रांड्स हैं, सबके बहुत से मॉडल्स हैं, और सबका सुनने का जो मायना होता है वो अलग अलग होता है। तो वाकई लोग कंफ्यूज हैं कि स्पीकर लेते हुए किन बातों का ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। मतलब ये कह सकते हैं हम काफ़ी ज़्यादा मिथ्स हैं, लोगों के माइंड में मिथ्स हैं काफ़ी ज़्यादा। तो आज हम कुछ मिथ्स भी क्लियर करेंगे। बिल्कुल क्लियर करेंगे। और दोस्तों, आपके लिए इस वीडियो में एक बहुत अच्छा सरप्राइज भी है। हमें उम्मीद है कि आपको वो सरप्राइज बहुत ही पसंद आएगा। क्या है और कैसे मिलेगा आगे हम आपको बताएंगे। पहले हम बात कर लेते हैं अपने टॉपिक के बारे में। अब जैसे कि आज हम स्पीकर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो मेरा आज का क्वेश्चन ये है आप सबके लिए, आपको बेस ज़्यादा पसंद है या फिर ट्रैवल? कमेंट्स में बताना मुझे। तो बताइए अंकुर भाई, क्या देखना चाहिए एक स्पीकर खरीदते हुए? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपकी जो प्रायोरिटी है, आपका जो पर्पस है स्पीकर लेते हुए, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप पर्सनल लिसनिंग के लिए स्पीकर्स ले रहे हैं, या आपको पार्टी करनी है और शोर करना है, आपको आउटपुट ज़्यादा चाहिए। तो आपका पर्पस क्या है वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार होता क्या है कि आपकी पहली प्रायोरिटी है कि आपको पर्सनल लिसनिंग करनी है, आपको मेलोडियस आवाज़ चाहिए, लेकिन आप बहुत ज़्यादा लाउड, बहुत हाई आउटपुट का स्पीकर ले लेते हैं, जिसको फुल वॉल्यूम में तो आप एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन कम वॉल्यूम में आप एंजॉय नहीं कर नहीं पाते कर हैं। सकते तो प्रायोरिटीज बहुत क्लियर होनी चाहिए आपके कि माइंड आपको में। धूमधड़ाका करना है या सॉफ्ट लिसनिंग चाहिए। मतलब बिल्कुल, तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। जब हम स्पीकर ले रहे हैं, पहले हमको देखना है हमारा पर्पस क्या है स्पीकर लेने का। बिल्कुल। अब आप ये बताइए, आउटपुट की जैसे आपने बात की है, तो आउटपुट को लोग, मैं देखता हूँ आजकल, वोल्टेज के साथ जोड़ते हैं, तो क्या ये सही है? ये हमारा पहला मिथ है कि जो वोल्टेज है और आउटपुट है वो आपस में बहुत टाइटली कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है, वो बहुत ही लूजली कनेक्टेड है। होता क्या है, आप इमेजिन कीजिए कि एक 100 वॉट्स का एम्पलीफायर है, उसको हमने एक 50% एफिशिएंसी के वूफर को हमने उससे फीड किया। तो सुनने में आपको एक पर्टिकुलर आउटपुट मिलेगी, ठीक है। अब सेम एम्पलीफायर को यूज़ करके हम एक कम एफिशिएंसी के वूफर के साथ हम कनेक्ट कर देते हैं, मान लीजिए 10% एफिशिएंट है, ठीक है, तो आपको एक अलग टाइप की आउटपुट मिलेगी। तो एम्पलीफायर वही है, लेकिन अलग अलग एफिशिएंसी के स्पीकर्स के साथ कनेक्ट करके हमें अलग अलग आउटपुट का एहसास हो रहा है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो स्पीकर का डिज़ाइन है, जो स्पीकर की कैबिनेट का डिज़ाइन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आउटपुट के सब लिए। कुछ ही मैटर करता है। सिर्फ सिर्फ वॉटेज तो मैटर नहीं करती है, राइट। और ब्रांड्स ये आपको बता देते हैं कि वॉटेज कितनी है, कितनी RMS है, कितनी मैक्सिमम है। बहुत सारे इसमें वर्ड्स हैं कि कोई RMS कहता है, कोई PMBO कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन आपको कोई ये नहीं बताता कि डिस्टॉर्शन लेवल क्या है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ये पूछना चाहिए ना बिल्कुल। कि अगर 100 वॉट्स का है तो उस पर डिस्टॉर्शन लेवल क्या है, 1% है कि 10% है। ऐसा ना हो कि 50% हो, बहुत ज़्यादा हो, तो वो भी बहुत मैटर करता है, सिर्फ वॉटेज मैटर नहीं करती। देखो, मैंने इससे पहले जब वीडियो बनाई है, मैंने पूछा था स्पीकर लेते हो आप किन बातों का ध्यान रखते हैं, तो मैक्सिमम कमेंट्स यही आए थे हम वोल्टेज देखते हैं, कि वोल्टेज देखनी चाहिए हमें, यही तो यही ये मिथ गलत है, है। ये हाँ, मिथ ये है। मिथ है। चलो, आपने ये तो कह दिया कि हमें वोल्टेज नहीं देखनी चाहिए, लेकिन अगर हमको आउटपुट देखनी है तो कैसे देखनी है, किससे? आप ये पूछिए, जो भी सेलर है, जो भी ब्रांड है, आप ये पूछिए कि वो कितना एरिया कवर करने के लिए सफिशिएंट है। मान लीजिए आपके रूम का साइज है, फॉर एग्जांपल 12 बाय 12 का रूम है, 12 फीट बाय 12 फीट का रूम है, तो आप ये पूछिए कि ये हमारा रूम साइज है, क्या ये जो मॉडल है ये उसके लिए सफिशिएंट होगा या नहीं होगा। ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि एरिया कवरेज क्या है। ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जैसे कि मान लो आप अपने रूम के लिए स्पीकर ले रहे हो और कल को आप उसे चला रहे हो एक खाली हॉल में, बड़े हॉल में, तो आपको मजा नहीं ऑब्वियसली, आएगा, एग्जैक्टली एग्जैक्टली एक्सपीरियंस आपका खराब हो जाएगा। एग्जैक्टली, तो आपका एरिया कवरेज कितना है वो आपको पता होना चाहिए, और आपका स्पीकर उसको कवर कर सकता है या नहीं कर सकता, ये आपको क्लियर होना चाहिए।
इसके बाद जो आजकल चल रहा है जो 20 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी या 20,000, इसका क्या चक्कर है? ये एक्चुअली फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है जो ब्रांड्स अपने अलग अलग मॉडल्स के लिए स्पेसिफाई करते हैं। वो कहते हैं कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हमारी फ्रिक्वेंसी कवरेज है। लेकिन ये जो फ्रिक्वेंसी कवरेज होती है ये उनके एम्पलीफायर्स की होती है। जो उसमें वूफर्स लगे हैं, जो स्पीकर्स लगे हैं, उनकी कैपेबिलिटी है या नहीं है उस फ्रिक्वेंसी को प्रोड्यूस करने की, ये वो कभी नहीं बताते, ये वो छुपा जाते हैं। तो आपको ये पूछना चाहिए कि जो ओवरऑल सिस्टम है उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं देखता हूँ लोग क्या करते हैं, वूफर साइज को जोड़ते हैं फ्रीक्वेंसी के साथ, क्या ये बात सही है? एक्चुअली ये बात सही है कि लोग जोड़ते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स और वूफर को, कि अगर बड़ा वूफर है तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बेटर होगी, बेस ज्यादा डीप होगा, ऐसा लोग सोचते हैं। एक बात बताइए, आपको याद होगा आज से कुछ साल पहले जो सिनेमा हॉल्स होते थे उसमें बहुत बड़े बड़े वूफर्स लगे होते थे। बिल्कुल बिल्कुल राइट। आज की डेट में जो सिनेमा हॉल्स हैं उसमें जो वूफर्स हैं वो छोटे हो गए हैं, लेकिन आउटपुट हमें अच्छा ही मिलता है। आउटपुट अच्छा ही मिल रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि सिनेमा हॉल वाले अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बड़े वूफर लगाना, जगह भी बहुत है, जगह भी बहुत है, लेकिन अब छोटे वूफर से वो बेटर फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स ले रहे हैं। तो साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि अब वूफर का साइज मैटर नहीं करता कि बेस कितनी डीप है। वो बहुत पुरानी बात थी, बहुत पुराना जमाना था जब लोग कहते थे कि जितना बड़ा वूफर होगा बेस उतनी डीप होगी, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस उतना बेटर होगा। अब साइंस इस चीज को पीछे छोड़ चुकी है। बिल्कुल, अब साइंस आगे बढ़ गई है। बिल्कुल, अब वूफर का साइज मैटर नहीं करता, आपको मैटर करना चाहिए फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या है, आपका जो सिस्टम है उसकी बेस कितनी डीप जा रही है, वो 30 हर्ट्ज तक जा रही है या 40 तक जा रही है या 50 तक जा रही है, वो 60 तक जा रही है, आपको ये मैटर करना चाहिए, ना कि वूफर का साइज क्या है। वूफर का साइज क्या है? तो भाई आपके कहने का मतलब है छोटा वूफर बड़ा वूफर ये सब मैटर नहीं करता? एग्जैक्टली, ये मैटर नहीं करता। अनुज भाई इस तरह से समझते हैं, आपके आगे एक सिस्टम है बिल्कुल जिसमें 4 इंचेस का वूफर लगा हुआ है जो बहुत वेल डिजाइंड है और 50 हर्ट्ज तक जा रहा है, और एक सेकंड ऑप्शन लेते हैं एक ऐसा सिस्टम जिसमें बड़ा वूफर लगा है 8 इंचेस का लेकिन वो बहुत पुअरली डिजाइंड है, वो जा रहा है सिर्फ 80 हर्ट्ज तक, आप कौन सा प्रेफर करेंगे? 50 हर्ट्ज जो छोटा है, बिल्कुल उसी को प्रेफर करेंगे। तो अब वूफर का तो फिर सवाल रहा ही नहीं ना, तो ये एक और मिथ हमारा खत्म क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर भी करना और लाइक भी करना। लाइक का आज हम टारगेट रखते हैं जितना अंकुर भाई कहेंगे, 20,000। चलो 20,000 लाइक कर दो आज और दिखा दो भाई को कितनी ताकत है आप में। अब हम बात करते हैं सरप्राइज के बारे में, तो आज आप क्या सरप्राइज देने वाले हैं? मेरे पर्सनल फेवरेट स्पीकर सिस्टम जो है ओबेज के अवंतिस DT21 ड्यूअल टावर, किसी का गिव अवे रख लेते हैं, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये टावर आपको मिल जाएंगे। तो इसके अगर आप ये जीतना चाहते हैं तो आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा नीचे कमेंट्स में, क्वेश्चन क्या होगा वो डिसाइड करेंगे हमारे अंकुर भाई। तो ऐसा करते हैं पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं फिर हम दर्शकों को बता देंगे कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो जैसे कि इससे पहले हमने बात की थी वूफर के बारे में, फ्रिक्वेंसी के बारे में, तो आप क्या कहते हैं क्या इंपॉर्टेंट है? अगर ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है तो वूफर का साइज इंपॉर्टेंट नहीं है, वोल्टेज इंपॉर्टेंट नहीं है, तो क्या इंपॉर्टेंट है? फ्रीक्वेंसी रिस्पांस इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट है वो है साउंड सिग्नेचर क्या है। साउंड सिग्नेचर होता है कि जो बेस मिड और ट्रेबल का आपस में रिलेशन क्या है, कॉम्बिनेशन है जो इनका। यस, इसका कॉम्बिनेशन क्या है। अगर हम एक एग्जांपल लें कि एक वी शेप साउंड सिग्नेचर होता है जिसमें बेस ऊपर होता है, मिड थोड़ा सा नीचे होता है और ट्रेबल ऊपर होता है, इसको वी शेप साउंड सिग्नेचर कहते हैं, बहुत लोगों को ये पसंद आता है। ये किन के लिए अच्छा रहता है? जो लोग रॉक सुनते हैं और जो लोग मॉडर्न म्यूजिक बहुत सुनते हैं उनको ये वी शेप साउंड सिग्नेचर अक्सर पसंद आता है। लेकिन अगर आप वोकल्स के शौकीन हैं, आपको वोकल्स मायने रखते हैं, आप टीवी के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो वी शेप सिग्नेचर जाहिर सी बात है आपको पसंद नहीं आएगा क्योंकि उसमें वोकल्स थोड़े से डाउन होते हैं। तो उसके लिए फिर हम अपने सेकंड साउंड सिग्नेचर की बात करते हैं जो कि होता है फ्लैट साउंड सिग्नेचर, जिसमें बेस मिड यानी कि वोकल और ट्रेबल तीनों ही बराबर लेवल पे yes, वो एक ही लेवल पे होते हैं। ये किन के लिए बेस्ट है? ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो नेचुरल साउंड सुनना पसंद करते हैं, जिनको पसंद है कि जैसा म्यूजिक की ओरिजिनल कॉम्पोजिशन है
वैसी ही एग्जैक्टली प्रोड्यूस हो। मतलब हम कह सकते हैं अगर आप अरिजीत को सुन रहे हो, अरिजीत सिंह को, तो वही आपको सुनाई दे। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो अरिजीत सिंह है वो कोई वो और कोई सिंगर बन जाए। उनकी ओरिजिनलिटी जरूर मेंटेन रहनी चाहिए। वो जो होता है वो फ्लैट साउंड सिग्नेचर में आता है या फिर वो आता है वार्म साउंड सिग्नेचर में। वार्म साउंड सिग्नेचर भी फ्लैट साउंड सिग्नेचर का एक तरह से आप कह सकते हैं भाई है, जिसमें बेस और वोकल एक लेवल पे होती है, ट्रेबल थोड़ी सी डाउन होती है कि इंस्ट्रूमेंट्स आपको क्लियरली सुनाई दें, लेकिन कोई भी आवाज कान में चुभे नहीं, वो होता है वार्म साउंड सिग्नेचर। तो वार्म और फ्लैट एक तरह से भाई होते हैं। और ऑनेस्टली बताऊं, कंपनीज का, ब्रांड्स का तेल निकल जाता है ये वाला साउंड सिग्नेचर अचीव करने के लिए, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है ये अचीव करना। और इसको सुनने का अलग मजा है, वी शेप सुनने का अलग मजा है, मतलब डिपेंड करता है कि आपको कैसा पसंद है। हाँ, ये बहुत ही पर्सनल चीज है, इस पे हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा बेस्ट है, कौन सा बेटर है या कौन सा खराब है, इसको इसमें हम ये कमेंट नहीं कर सकते। और आजकल तो आप देख रहे हैं कि लोगों को बेस हैवी साउंड सिग्नेचर पसंद आ रहा है, इसमें बेस ऊपर होती है, वोकल और ट्रेबल थोड़े से नीचे होते हैं। आजकल बेस हैवी का काफी ट्रेंड आ रहा है। और जो अगर हम पुराने जमाने के लोगों की बात करें तो उनको ब्राइट साउंड सिग्नेचर बहुत पसंद था, जिसमें वोकल और बेस एक लेवल पे होती थी, ट्रेबल थोड़ी सी ऊपर होती थी। तो ये अलग अलग साउंड सिग्नेचर्स हैं जो एक पर्सनल चॉइस होती है, वो आपको पता होना चाहिए। आपको कौन सा पसंद है? मेरे को पर्सनली वार्म साउंड सिग्नेचर पसंद है, इसीलिए अवंतिस मॉडल जो है ओबेज का वो मेरा फेवरेट है। तो क्वेश्चन भी बता देते हैं फिर साथ में। यहाँ क्वेश्चन ये है कि आपका फेवरेट साउंड सिग्नेचर कौन सा है, ये क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सोच के आंसर देना थोड़ा अच्छे से। ये आपको आंसर देना है कमेंट्स में, हम रैंडम कमेंट पिकर से एक कमेंट पिक करेंगे, उनको ये मिल जाएगा ड्यूल टावर। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये बात आती है कि जो स्पीकर्स हैं क्या उनकी प्लेसमेंट भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना कि साउंड सिग्नेचर है? बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेसमेंट। आपने एक वूफर को आपने जमीन पे रखा है कि आपने एक शेल्फ पे रखा है, या आपने जो स्पीकर्स हैं वो आपके ईयर लेवल पे हैं या उससे नीचे हैं, तो ये जो प्लेसमेंट्स हैं ये बहुत मैटर करती है कि आपको किस टाइप का साउंड मिलेगा। और सिर्फ प्लेसमेंट नहीं अनुज भाई, जो रूम के एकूस्टिक्स हैं हाँ उन पे भी डिपेंड करता है कि रूम में इको तो नहीं है। मतलब कई बार होता है ना खाली रूम में हम स्पीकर चलाते हैं तो आवाज गूंजती है। हाँ बिल्कुल, क्लैरिटी नहीं आती। एक खाली रूम में अगर दो दोस्त आपस में बात कर रहे हो, वो आपस में बात नहीं सुन सकते, तो मजा नहीं आता। वही तो आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि स्पीकर्स भी क्लियर बजे खाली रूम के अंदर। तो रूम में साउंड एब्जॉर्बेंस होने बहुत जरूरी हैं, जिससे कि इको इफेक्ट ना हो। और इको इफेक्ट में अक्सर बेस कैंसिल हो जाती है, आपको पता है। बिल्कुल, जो ट्रेबल होती है वो इको इफेक्ट के कारण बढ़ जाती है, बूस्ट हो जाती है। यस, बूस्ट हो जाती है, और जो बेस है वो कैंसिल आउट हो जाती है। यस, तो अगर आप ये मान लो अगर आप स्पीकर रख रहे हो हाइट पे तो आपको ट्रेबल ज़्यादा मिलेगी, अगर आप रख रहे हो नीचे तो आपको बेस ज़्यादा मिलेगी। हाँ, वो आपको जो आपके रूम के एकूस्टिक्स हैं उसके अकॉर्डिंग उसके अनुसार आपको सेट करना होगा कि आपको स्पीकर्स कहाँ प्लेस करना। मतलब हम कह सकते हैं आपको थोड़े एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे आपको। बिल्कुल, जब भी आपको स्पीकर लोगे। एग्जैक्टली, और बेसिक्स तो यही है कि रूम में इको नहीं होनी चाहिए, कुछ ना कुछ साउंड एब्जॉर्ब करने की चीज़ें होनी चाहिए, चाहे वो कर्टन्स हो गए या कारपेट हो गए या आपकी मैट्रेस हो गई, कुछ ना कुछ साउंड एब्जॉर्बेंट रूम में जरूर होने चाहिए। साथ में ना ये भी देखना बहुत जरूरी है, जो आप स्पीकर ले रहे हो किस साइज में, किस रूम में आपको रखना है, रूम का साइज क्या है। हाँ, वो हमने एरिया कवरेज में इस चीज को हमने कवर किया। हाँ, कि जो एरिया है आपके जो स्पीकर्स हैं वो उसको कवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अब बड़ा सा कोई रूम है उसमें आप छोटा सा स्पीकर आप रख दो तो ऑब्वियसली वो ऐसा इफेक्ट नहीं दे पाएगा जिस रूम के लिए वो डिजाइंड है। बिल्कुल। इसके अलावा अभी हमने जैसे बात की थी साउंड सिग्नेचर के बारे में, अगर मैं ऑनलाइन चेक करूं तो क्या ब्रांड्स लिखते हैं ऑन पेपर? कुछ ब्रांड्स लिखते हैं, कुछ ब्रांड्स अपना साउंड सिग्नेचर मेंशन करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। और जो नहीं करते हैं, आप ऑनलाइन आप क्वेश्चन उनको कर सकते हैं, क्वेश्चंस की ऑप्शन आती है उसमें आप क्वेश्चन कर सकते हैं। रूम का साइज तो मैंने देखा सभी मेंशन करते हैं, रूम का साइज कितना होना चाहिए, अक्सर मेंशन करते हैं, ज्यादातर मेंशन किया जाता है रूम का साइज। तो एक्चुअली बहुत सारे ब्रांड्स ये अज्यूम करते हैं कि होम ऑडियो के स्पीकर हैं तो एक स्टैंडर्डाइज रूम में ही प्ले होंगे, और ये सच भी है। बिल्कुल। उसके बाद मैंने देखा है काफी लोग बर्न इन पीरियड के बारे में भी नहीं जानते, क्या ये चीज है बर्न इन पीरियड? बेसिकली क्या होता है, जो नए स्पीकर्स होते हैं या जो नए वूफर होते हैं उसके इनिशियली मैकेनिकल कंपोनेंट्स से होते हैं वो स्टिफ होते हैं, तो वो पूरी तरह फ्रीली मूव नहीं कर पाते इनिशियली। एक टाइम पीरियड के बाद, कुछ टाइम चलने के बाद, उनमें अपने आप एक मूवमेंट आ जाती है, उससे स्पीकर अपनी पीक परफॉर्मेंस पे पहुंचता है, बेस्ट परफॉर्मेंस पे वो तब पहुंचता है। तो हर स्पीकर का एक बर्न इन पीरियड होता है,
तो उस तक आपको जरूर लेके जाना चाहिए, उसके बाद जज करना है, उसके बाद जज करना चाहिए, उससे पहले आप जज नहीं कर सकते क्योंकि अभी उसके सारे कंपोनेंट स्टिफ हैं, अभी वो पूरी तरह लूज नहीं हुए हैं। तो कुछ टाइम मीडियम वॉल्यूम पे या लो वॉल्यूम पे भी आप कुछ सॉन्ग्स वगैरह प्ले कीजिए, तो डिपेंडिंग अपॉन कि बर्न इन पीरियड कितना है, वो 3 घंटे का है, वो 5 घंटे का है, वो कितने घंटे का है, 7 घंटे का है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो ये मेंशन होगा कहीं पे कितना बर्न इन पीरियड, आप अक्सर मेंशन होता है और आप पूछ सकते हैं ब्रांड से एक पर्टिकुलर मॉडल के बारे में आप पूछ सकते हैं कि ये इसका बर्न इन पीरियड कितना है, ऑफ कोर्स पूछ सकते हैं आप। बाकी भाई ये मान लो आप कोई स्पीकर लो, एक दो दिन यूज करो अच्छे से, फिर आप जज करो कैसा है। हाँ, होना तो ये चाहिए, इमीडिएटली तो आप जज कर ही नहीं सकते क्योंकि बहुत सारी डिटेलिंग ऐसी होती है साउंड में जो आपको कुछ दिनों बाद आपको पता लगती है, स्पेशली बर्न इन पीरियड के बाद पता लगती है। तो वो डिटेल इंजॉय करने के बाद कई बार अपने हमारे कानों को भी आदत नहीं होती, अचानक से आपको, अगर आपको वी शेप साउंड सिग्नेचर की आदत है और अचानक से आपको हम फ्लैट साउंड सिग्नेचर आपको सुना दें, तो आप बोलेंगे यार इसमें तो बेस कम है, मजा नहीं आएगा, इसमें मजा नहीं आ रहा। लेकिन 3-4 दिन बाद आपके जब कान उसके अकस्टम्ड हो जाएंगे, तब आप बोलोगे यार मैं वी शेप सुन कैसे रहा था, इसमें तो वोकल्स ही नहीं थे। तो ऐसा होता है, बिल्कुल सही बात है। और अंकुर भाई क्या होते हैं कि स्पीकर क्या सपोर्ट करता है क्या नहीं करता, FM है या नहीं है, ब्लूटूथ है या नहीं है, ये सब तो सब लोग देख लेते हैं। कमेंट्स ये आते हैं कि फुल वॉल्यूम पे आवाज़ फटती तो नहीं है, डिस्टॉर्शन कितना है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये सवाल एक्चुअली में बहुत आता है कि फुल वॉल्यूम पे आवाज़ तो नहीं फट रही, लेकिन आप ये बताइए कि फुल वॉल्यूम किसके रिलेशन में, आप FM पे बात कर रहे हैं फुल वॉल्यूम की, या आप पेन ड्राइव से प्ले कर रहे हैं, या आप फोन से प्ले कर रहे हैं, या टीवी से प्ले कर रहे हैं, और अगर फोन से प्ले कर रहे हैं तो कौन सी ऐप है, तो ऐप कौन सी है, सब कुछ मैटर करता है। बिल्कुल, और अलग अलग फोन्स भी अलग अलग आउटपुट देते हैं, हमने ये भी ऑब्जर्व किया है। तो आप कौन सा फोन यूज कर रहे हैं, और अगर आप टीवी से कनेक्ट कर रहे हैं, टीवी का तो अपना आउटपुट इतना ज्यादा होता है कि वो एम्पलीफायर को ही ओवरलोड कर देता है। तो आप किस से आप फुल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो आपको अपना एक स्टैंडर्ड सेट करना होगा कि मेरा ये फोन है, मैं ये वाली ऐप यूज करता हूँ, इस पे मेरा जो स्पीकर सिस्टम है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, कैसा रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है, और आपको फुल वॉल्यूम में जाने की जरूरत क्या है। मैक्सिमम लोग तो मीडियम वॉल्यूम पे ही प्ले करते हैं, शायद कभी कभी हम लोग फुल पे प्ले करते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये है जहाँ पर हमें लग रहा है कि आवाज फट रही है वहां हमें वॉल्यूम कम कर लेनी चाहिए। हाँ ऑफकोर्स, क्योंकि जहाँ पे आवाज क्रैक होनी शुरू हो जाए, जहाँ पे आपको लगे कि हाँ आवाज़ फट रही है, उसका मतलब ये है कि आपका जो एम्पलीफायर है वो ओवरलोड हो रहा है, उसकी उस पर्टिकुलर आउटपुट को प्ले करने की कैपेबिलिटी नहीं है, नहीं है, तो आपको उससे थोड़ा सा नीचे आ जाना चाहिए ताकि आपके स्पीकर्स की लाइफ बनी रहे। अगर हम उस पर ओवरलोड डालते रहेंगे तो वो जल्दी खराब हो सकता है। एग्जैक्टली, कुछ भी हो सकता है। एग्जैक्टली। वैसे अंकुर भाई एक बात बताओ, इतनी टेंशन लेने की, इतनी माथापच्ची करने से अच्छा है इंसान खुद जाके नहीं सुन लेगा, ये तो बेस्ट है। हियरिंग इज बिलीविंग, आप खुद सुन लो। लेकिन सुनोगे कहाँ, आपने अभी परचेज नहीं किया, आप शॉप पे गए या शोरूम पे गए, अब शोरूम इतना बड़ा है, उसके एकूस्टिक्स तो आपके रूम के साथ मैच करते नहीं है, ये बात भी सही है, और सब शोरूम्स में कोई प्रॉपर डेडिकेटेड डेमो रूम्स भी नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। आप अगर शॉप पे जाएंगे तो वो आपको ओपन में प्ले करके बता देंगे, जहां पे इतना आसपास शोर होगा, ना बेस आएगी ना कुछ आएगा, मतलब बेस तो आएगी नहीं क्योंकि ओपन में है, और जो डिटेलिंग है वो आसपास के शोर की वजह से नहीं आएगी, दब जाएगी सब। तो ये जो बातें हैं कि आपकी क्या प्रायोरिटी है, आपको फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स कितना मिल रहा है, आपका साउंड सिग्नेचर कैसा है स्पीकर सिस्टम का, और आपको कौन सा साउंड सिग्नेचर पसंद है, एरिया कवरेज कितनी है, जो बेस है वो वोकल्स को डिस्टर्ब तो नहीं कर रही है, ये पॉइंट्स नजर में रख के आपको स्पीकर सिस्टम परचेज करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो जैसे कि आपने ये तो बता दिया किन बातों को नजर में रखना है, अब आप बताओ जो मिथ्स बने हुए हैं उनके बारे में बताओ, किन को नजर में नहीं रखना। वॉटेज, ठीक है, बहुत बड़ा मिथ है। हाँ, वूफर का साइज फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है, इन दोनों का जो रिलेशन है ये भी एक मिथ है। तो वूफर का साइज आपको ध्यान में नहीं रखना, बिल्कुल आपको स्पीकर का साइज ध्यान में नहीं रखना, आपको वॉटेज भी ध्यान में नहीं रखनी। ओके, जो पॉइंट्स आपको इससे पहले बताया आपको ये ध्यान में रखने हैं, और हर कंपनी एक अपने प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए वेबसाइट्स का सहारा लेती हैं और प्रॉपरली डिस्क्राइब करती है अपने प्रोडक्ट के बारे में, उसको जरूर ध्यान से पढ़ना चाहिए कि उस ब्रांड के उस मॉडल की टारगेट ऑडियंस क्या है, उससे आप खुद को कनेक्ट कर पाएंगे। हाँ, जैसे कि मैंने देखे कई बार, मैंने कई ऐड देखी हैं जिसमें बेस को हाईलाइट किया जाता है। एग्जैक्टली, इनमें आपको मिलेगी हैवी बेस। यस, अगर आप बेस लवर्स हैं तो आपको समझ में आ जाएगा
कि ये ब्रांड ये मॉडल बेस को हाईलाइट कर रहा है तो ये मेरे लिए है। बिल्कुल। अगर आप पार्टी लवर हैं और अगर कोई पर्टिकुलर ब्रांड अपने स्पीकर्स को पार्टी के लिए हाईलाइट कर रहा है तो ऑब्वियसली वो पार्टी लवर्स के लिए है। या कोई ब्रांड्स कहते हैं कि हम हमारा ये जो मॉडल है ये मेलोडियस लिसनिंग के लिए है, तो जाहिर सी बात है कि वो मेलोडियस लिसनर्स को टारगेट कर रहा है। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है, मिथ्स के चक्कर में नहीं पड़ना। आपके पास अगर कोई स्पीकर सिस्टम है और आप उसमें डेली म्यूजिक नहीं सुन पा रहे या आप उसको नहीं सुनना चाहते, तो इसका मतलब ये है कि आप या तो बहुत बिजी हैं या आपने गलत सिस्टम ले लिया। क्योंकि म्यूजिक मेरे ख्याल से हम सबकी लाइफ का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है, और अगर आप किसी स्पीकर में आप डेली म्यूजिक नहीं सुनना चाहते तो वो स्पीकर आपके लिए नहीं है, आपने गलत परचेज कर लिया है। अगर आप स्पीकर ऑन करते हो आपका मन करता है नहीं बंद कर दो, मतलब कुछ गड़बड़ है। यस। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि किन बातों का आपको ध्यान रखना है और किन का ध्यान नहीं रखना। मैंने जो स्पीकर्स की वीडियो बनाई है उनका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप देख सकते हैं। साथ में जो गिव अवे चल रहे हैं चैनल पे उनका भी लिंक आपको मिल जाएगा, पार्टिसिपेट कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। तो जैसे कि आज हमारा फर्स्ट एपिसोड था द रियल ज्ञान का, आपका बहुत बहुत थैंक यू स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू अनुज भाई, आपने मेरे को बुलाया यहाँ पे उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू, और मुझे बहुत मज़ा आया आप लोगों से बात करके। तो अब आप ये भी बताओ हमें कमेंट्स में कि अब आप और किस टॉपिक पे ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं, द रियल ज्ञान की वीडियो कमेंट्स में बताना मुझे, मैं कोशिश करूंगा आपके लिए वो वीडियो लाने की। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।